हेलो फ्रेंड्स, आज के न्यू इंटरेस्टेड वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो F11 एंड ओप्पो F11 प्रो डिवाइस में फ्रेंड्स एक अपडेट देखने के लिए मिला है जिसका वर्जन है C.3 का। तो फ्रेंड्स, यहां पे अभी तक ओप्पो F11 एंड जो ओप्पो F11 प्रो डिवाइस के यूजर्स है वो अभी तक सभी यूजर्स को देखने के लिए नहीं मिला है। तो आखिर फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी यूजर्स को कब तक ये अपडेट देखने के लिए मिलेगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ओप्पो F11 एंड ओप्पो F11 प्रो डिवाइस के यूजर्स तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। F11 और ओप्पो F11 प्रो डिवाइस में एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिल रहा है जिसका वर्जन है C.3 का। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी तक ये सभी यूजर्स के लिए रिलीज नहीं किया गया। यहाँ पे अभी तक 5-10% यूजर्स के लिए ही रिलीज किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जो बाकी बचे यूजर्स हैं उनके मन में एक सवाल बनता है कि आखिर ओप्पो F11 एंड ओप्पो F11 प्रो डिवाइस में जो यूजर्स को अभी तक नहीं मिला है तो ये अपडेट देखने के लिए कब तक मिलेगा? तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी 5-10% यूजर्स को ये अपडेट रिलीज किया गया है। तो ये अपडेट अब जैसे ही यानी कि 5-10 दिन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जो भी बचे हुए यूजर्स हैं ओप्पो F11 और ओप्पो F11 प्रो डिवाइस के, उन्हें 5-10 दिन के अंदर ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा जिसका वर्जन है C.3 का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ ओप्पो F11 एंड ओप्पो F11 प्रो से रिलेटेड कुछ इतने ही इन्फॉर्मेशन थी। तो फ्रेंड्स, ये जैसे ही सभी यूजर्स के लिए रिलीज़ होगा, मैं आपको कोशिश करूंगा सबसे पहले आपको वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्म करने की। मैं आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।